अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक ठाक ही होंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ ख़ासकर सर्दियों के लिए आपके हाथों और पैरों, और अगर आप चाहें तो आप इसको फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं क्रीम लाई हूँ जिसको हम बनाने वाले हैं 2 से 3 मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है, आपको पसंद आएगी। ये जो है आपको फ़ायदा ये देगी कि जो आपकी जो है क्रैक्स हो जाते हैं आपके पाँवों पे, उसके अलावा जो है हाथों की स्किन रफ़ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और जो है झुर्रियाँ और बूढ़ी बूढ़ी सी स्किन जो है आपकी सर्दियों में हो जाती है। तो ये क्रीम, इस क्रीम के इस्तेमाल से जो है आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत और वाइट होने वाली है। तो हमने जो है इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले ले ली है वैसलीन। तो वैसलीन से तकरीबन हर कोई ही वाकिफ़ होगा। तो बहुत ही अच्छी ये क्रीम है मॉइस्चराइज़ करने के लिए आपकी जो है स्किन को। तो इसको फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है आपके हाथों पैरों या फेस पर। तो प्राइस जो है इसकी बहुत ही कम है, तकरीबन आपको ये जो है वैसलीन 100 से 150 रुपये के दरमियान बड़ी डिब्बी जो है आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच जो है वैसलीन की चाहिए। तो इसके बाद जो हम इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ही आसान सी और सस्ती सी चीज़ है, वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो है वो खुश जिल्द के लिए बहुत ही मुफीद है, और उसके अलावा अगर आपकी स्किन पर झुर्रियाँ हैं तो इसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है आपकी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने इस क्रीम को फेस पर अप्लाई नहीं करना, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको जो है फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जो है 1 चम्मच वैसलीन ली है और 2 चम्मच इसके अंदर मिला ली है ग्लिसरीन। जब ये सब चीज़ें आपस में मिक्स होंगी तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्ती आपकी फार्मूला क्रीम बनेगी, और जो आपकी स्किन को नरम और मुलायम, खूबसूरत, जवान और सर्दियों में तरोताज़ा और फ्रेश दिखाएगी। तो अब जो है हम इसके अंदर जो आखिरी चीज़ ऐड करने वाले हैं तो वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स। तो विटामिन ई के कैप्सूल भी जो हैं आपको व्यूअर्स, अगर आपको पता हो तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, ख़ासकर सर्दियों में इसका इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है। ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं, उसके अलावा जो है स्पोर्ट्स या जो भी आपके हाथों पैरों पर निशान आते होते हैं, चप्पलों के निशान जो आपके पाँवों पर होते हैं, ये उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो हमने जो है 2 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच वैसलीन और जो है 1 जो है हमने इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है। तो विटामिन ई जो है आपको खुले भी मिल जाएंगे, उसके अलावा जो है ये एवियन की कंपनी में भी अवेलेबल होते हैं। तो ग्लिसरीन जो है तकरीबन आपको 20 से 25 रुपए की शीशी मिल जाएगी, तो उसमें से 20 से 25 रुपये में आपको जो है 2 चम्मच जो है मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इसकी बड़ी शीशी भी ले सकते हैं, जो कि मेरे पास है, तो वो आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप छोटी सी 1 शीशी ग्लिसरीन की ले लें। तो वैसलीन की जो छोटी डिब्बी है वो तकरीबन 50 से 60 रुपए की है, अगर आप जो मेरे पास है, अगर आप वो देख रहे हैं तो वो 120 की है। विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो तकरीबन आपको 1 कैप्सूल जो अगर आप खुला लेंगे तो आपको जो है 5 से 10 रुपए का मिलेगा। कॉस्मेटिक की शॉप वाले भी ये जो है कैप्सूल सेल करते हैं, उसके अलावा ये आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर से जो है ज़्यादातर जो है ये एवियन की कंपनी में अवेलेबल होते हैं। तो आपने जो है तीनों चीज़ों को लेकर मिक्स करके जो है आपने क्रीम तैयार कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्ती वाइटनिंग हमारी जो है फार्मूला क्रीम हम कहेंगे इसको तैयार हो गई है। इस फार्मूला क्रीम का फ़ायदा ये है कि ये आपको कोई भी नुकसान नहीं देगी, सिर्फ फ़ायदा ही देगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इसको आपने कम इस्तेमाल करना है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जवान और जो है मॉइस्चराइज करके जो है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा यंग और खूबसूरत दिखाएगी, साथ में जो है आपके कलर टोन को भी फेयर करेगी। तो हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है, अब जो है आपने इसको किसी भी खाली जो है शीशी में या जार में डाल लेना है। आप इसको 1 से 2 महीने आराम से आप इसको लगा सकती हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लगाने का तरीका इसको सिंपल सा यही है, आप जितनी बार अपने हैंड्स एंड फीट्स वॉश करें उतनी बार इसको अप्लाई कर लें। नहाने के बाद, शावर के बाद आप इसको बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो। अगर आपकी फेस की स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए आपको लगाने के बाद मेरी स्किन में कितनी ज़्यादा शाइनिंग नज़र आ रही होगी, बहुत ही अच्छी क्रीम है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपनी राय से भी मुझे कमेंट करके ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये क्रीम किस तरह की लगी या आपको कितना फ़ायदा दिया।